गंगा किनारे बसी काशी नगरी। गंगा जितनी निर्मल है शायद यहाँ के लोगों का मन भी उतना ही साफ है, लेकिन उस मन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और शायद इसी धुकधुकी में आज बीजेपी भी हर दांव चलती नजर आई। राजनाथ सिंह ने आज चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, लगभग साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं तो बनारस को रुसवा नहीं करेंगे, बनारस नहीं छोड़ेंगे। यानी ये एक आखिरी दांव, एक आखिरी चाल बीजेपी की तरफ से कि कहीं वोटरों को जो भटका रहे हैं कि वो वडोदरा ना चले जाए, बनारस को ना छोड़ दें, वो डर कम से कम लोगों के मन से हट जाए और लोग जीत उन्हीं की झोली में डालें। सुनिए क्या कहा राजनाथ सिंह ने। डेवलपमेंट सचमुच उनकी एक मूल प्रकृति बन चुकी है, स्वभाव बन चुका है, और इसीलिए मैंने सोचा ना कि हमारी इस जन्मभूमि से ऐसा व्यक्ति लड़ना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि का कर्ज उतार पाना यह बहुत कठिन होता है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत भी यदि मैं उतार सकूं तो बिल्कुल प्रधानमंत्री यदि कैंडिडेट हमारी जन्मभूमि से होता है तो इससे बड़े गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। राजा जी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट उनकी प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है, दैट इज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। इतिहास से भी पुराने काशी नगरी में हम मौजूद हैं। राजनाथ सिंह को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि यही अब कर्म भूमि बनेगी नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन समझना ये होगा, लोग कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है काशी नगरी। अब काशी नगरी को उस धर्म संकट से गुजरना है कि आखिर किसे वो भेजेगा दिल्ली तक, क्योंकि याद रखिए बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, उधर केजरीवाल हैं, और अजय राय के जरिए राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। अखिलेश भी उतरे आज मैदान में कैलाश चौरसिया के लिए।